Hello all of you. Yes, I'm Raps Cricket and I start vlogging today, and आज मैं vlog start I'm very interesting. So मैंने सोचा आज से आपको जो है अपनी वो पूरी दिनचर्या के बारे में बताया जाए. तो कैसे कैसे हमारी दिनचर्या रहती है, क्या क्या मैं करता हूँ और क्या क्या रूटीन मेरी रहती है. तो पक मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मुझे भी पूरी खड़ी हो चुकी है. तो आज हम फिर करते हैं स्टार्ट आज की. फर्स्ट मैं आपको आपका अपना रूम दिखा देता हूँ, ठीक है. जैसे कि सबसे पहले गुरु नानक देव जी की फ़ोटोज देख रहे होंगे आप, इनके आशीर्वाद से ही आप व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं. तो आज आपका ये मेरा स्टडी टेबल है और यहाँ पे मैं स्टडी वगैरह करने बैठता हूँ. तो ब्लैक बोर्ड वगैरह सब कुछ ऑलरेडी है. दिस इज़ वेरी ओल्ड बट दिस साउंड इज़ वेरी यूनिक. सो आई कांट स्पीक. तो मैंने सोचा आपको इसके साउंड के बारे में बता ही देते हैं. अगर इतनी मैंने बता दिया तो इससे मैं बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूँ. तो जैसे ही मैं पूरे दिन का थका हारा या पूरा फ्रस्ट्रेट होके आता हूँ तो इससे जो है मेरी वो पूरी जो थकान वो बाहर निकल जाती है. देखिए सुनिएगा. टैली के लिए, ठीक है. तो आज आगे की वीडियो बाद में बनाते हैं, आपको मैं बताता रहूँगा कैसे कैसे मैं चलूँगा और आपको मिलाऊँगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो मेरे साथ टैली का कोर्स करते हैं. तो आज चलते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैं अभी व्यू बता रहा था आपको अपने बस स्टैंड का, जहाँ मैं अभी पहुँचा हूँ. आगे जाके मेरा जो है वो लिस्ट है एम्बलम का. लेकिन यहाँ से आगे मैं आपको बताना चाहूँगा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़. या दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग लेक सुंदरनगर. बहुत ठंडे यहाँ पर और आप देख सकते हो यहाँ पर दूर दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा वैसे. और आगे चलते हैं, मैं आपको नज़दीक से लिस्ट करूँगा. और ये यहाँ पर साथ साथ में सड़क है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत टेम्पल बन जाती है, ये देख सकते हैं. और अभी आप ये देख सकते हैं मैं सुंदरनगर के एक बहुत खूबसूरत लेक में हूँ. और यहाँ पे पहले ही बहुत ठंड है और मैं जल्दी जल्दी में अपना जो जैकेट पहनना भूल गया हूँ और मैं यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है. और ये जो पीछे आप मशीन देख रहे हैं यहाँ पे जो है जो सिल्स वगैरह आती है पीछे से उसको निकालने का काम करती है. तो आज फिर मैं आपको ले जाता हूँ अपने इंस्टीट्यूट. सो जो अभी आपने देखा वो बहुत ही एक ठंडा सा इलाका था. तो मैं बिल्कुल बहुत ही स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहा हूँ. सॉरी बाइक बहुत वो दूर था. तो अब मैं बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूट की तरफ. और रास्ता आप देख सकते हैं पीछे बहुत ही सुंदर नज़ारा आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो मैं अंदर तो शायद आपको नहीं कैमरा नहीं ऑन कर सकते, लेकिन मैं बाहर से आपको बाद में शायद अपने फैंस के साथ दिलवा सकता हूँ. Let's go for our institute.
का दिन को तो यहाँ पे बहुत पॉल्यूशन हो जाता है क्योंकि इट इज़ वेरी बिजी सिटी। और जो मनाली वगैरह को रास्ता जाता है वो भी यही रास्ता है, और इस तरफ तो क्या ही बात है। मीट माय न्यू फ्रेंड एट एम्प्लॉय एजुकेशन। दिस इज द आउटसाइड ऑफ एम्प्लॉय। ये मेरा इंस्टीट्यूट। ऐप को अंदर तो नहीं दिखा पाया कैसे था, मेरी क्लास में हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे ट्यूशन सेंटर के बाहर। तो अब मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड और उसके बाद जाकर वो तो आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं दो तीन टिप्स अभी और दिखाऊँगा आपको, उसके बाद फिर ओके बाय। सो फाइनली आई रिस्क में आया हूँ। तो बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ यहाँ का। होप सो अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग या वीडियो के साथ। सेकंड वीडियो में बाय।